जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम धनुषा में होने जा रहे विशाल भंडारा के उपलक्ष्य में आज 28 फरवरी 2023 को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा विशाल आध्यात्मिक चेतना यात्रा सतगुरु शोभा यात्रा निकाली गई है, जो कि अभी महेंद्र नगर से शुरू हुई है और यहां से ये आगे को चलेगी और ये जनकपुर जलेश्वर होते हुए आगे तक करीब 50 किलोमीटर तक जाएगी, ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है नेपाल के जनकपुर नगरी में और हम अभी खड़े हैं नेपाल के जनकपुर के सेंटर में, यहाँ भानु चौक के पास। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के हज़ारों की संख्या में समर्थक जो है अपने गुरु का बैनर लिए हुए और लंबी कतार है उनकी गाड़ियों की और वो शोभा यात्रा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप बैनर में देख सकते हैं कि आध्यात्मिक चेतना एवं सतगुरु शोभा यात्रा कह के यहाँ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में उनके अनुयायी हैं और ये किस उपलक्ष्य में ये निकाल रहे हैं, क्या कारण है, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? अर्जुन दास। कहाँ से आए हैं सर? नेपाल सिंधुली से, जनकपुर अंचल सिंधुली जिला से। सर ये क्या कार्यक्रम है, इसमें लिखा है आध्यात्मिक चेतना एवं सतगुरु शोभा यात्रा, क्या कार्यक्रम है ये आप सबका? ये जगत गुरु तथा संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस में ये कार्यक्रम आध्यात्मिक कार्यक्रम है और ये मोक्ष मार्ग भी है। इसमें परमात्मा का परसों 17, 18, 19, 20 का समागम है, इसी के लिए रैली, परमात्मा का रैली है ये। इसमें हम लोग यहाँ पर परमात्मा के रैली में ये जगत लोग का प्रचार प्रसार के लिए आए, उन लोग आने के लिए निमंत्रण के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज के होर्डिंग्स बैनर्स लगे हुए हैं और सतगुरु शोभा यात्रा कह के लिखा हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जो संत इस देश से भी नहीं हैं, जो सरहद पार भारत से बिलोंग करते हैं और नेपाल में सरहद पार उनकी इतनी ज़्यादा संख्या में अनुयायी होना, समर्थक होना, उनकी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता होना अपने आप में ही एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। यहाँ देखिए हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जो है ये शोभा यात्रा का सबसे मुख्य जो गाड़ी है संत रामपाल जी महाराज का रथ, ये यहाँ से गुजर रही है और इसमें जो है कुछ सेवादार बैठे हुए हैं। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो जो संत इस देश से भी नहीं और जो जेल में है और उनकी इतनी ज़्यादा संख्या में नेपाल में, दूसरे देश में, भारत से बाहर के देश में अनुयायी, समर्थन और लोकप्रियता है, ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा अजूबा है। जनकपुर नगरी में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के हज़ारों अनुयायी बहुत सी गाड़ियाँ लेकर के अपने सदगुरु की शोभा यात्रा निकाले हुए हैं। हमें जानकारी प्राप्त हुआ है कि संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सतगुरु शोभा यात्रा एवं आध्यात्मिक चेतना यात्रा निकाली हुई है जिसमें हज़ारों की संख्या में गाड़ी भी शामिल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा संख्या में गाड़ी है। दर्शकों सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जो संत इस देश से नहीं है, उस संत के दूसरे देश में, इस देश नेपाल में इतनी ज़्यादा संख्या में अनुयायी होना, उनकी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता होना कोई आम बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं हो सकती। जबकि वो संत अभी जेल में है और उनके इतनी ज़्यादा संख्या में लोकप्रियता, इतने ज़्यादा अनुयायी, वो भी अपने देश में नहीं, सरहद के पार दूसरे देश नेपाल में है, तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है जो संत रामपाल जी महाराज के इतने ज़्यादा अनुयायी भारत से बाहर नेपाल में भी हैं, ये सब
उन्हीं के अनुयायी से बातचीत करके उनसे जानकारी लेकर के आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जनकपुर ये पर्यटकीय स्थल है नेपाल का। यहाँ पर लाखों पर्यटक हर साल आते हैं इस जनकपुर को देखने के लिए, और ये बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी है। और इस तीर्थस्थल जो कि इतना प्रसिद्ध हो, जहाँ बाहर से लोग आते हैं लाखों की संख्या में, उस स्थल में वहाँ के लोग संत रामपाल जी महाराज के जयकारे लगा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के नारे लगा रहे हैं, और समाज सुधारक शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देने वाला, धरती को स्वर्ग बनाने वाला संत कह के सभी संत रामपाल जी महाराज की जो है महिमा गाते हुए निकले हुए हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत है अपने आप में ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे पीछे जो है हज़ारों गाड़ियों की लाइन लगी है, बहुत लंबी कतार है ये, मेरे ख्याल में 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है पीछे तक। और आगे को भी आप देख सकते हैं कि बहुत दूर तक चली गई है ये शोभा यात्रा। तो इसके विषय में कुछ अनुयायियों से बात करके और जानकारी लेंगे। को सपना छ राम्रो दाइजो मुक्त हो समाज हाम्रो, यानी संत रामपाल जी महाराज का सपना है दहेज मुक्त समाज अपना हो, ऐसा कर करके ये बैनर सब में लिखा हुआ है। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, ये सब बहुत सी सारी जो है ज्ञान की चीज़ें बैनर में लिखे हुए, और इन बैनर को चिपकाए हुए हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ निकल रही है। और क्या रहस्य है आखिर, क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज की लोकप्रियता भारत ही नहीं, भारत से बाहर नेपाल और अन्य देश में भी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो संत 8 साल से आज जेल में बैठे हैं, उनकी इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु, इतनी ज़्यादा लोकप्रियता कैसे हो सकती है, इसके बारे में उनकी अनुयायी से जानेंगे। देख सकते कितनी लंबी कतार है गाड़ियों की, और इस गाड़ियों के पीछे फिर मोटरसाइकिल की बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज का जो ये ज्ञान का तूफान है, ये नेपाल में भी इस तरह से आया हुआ है, ऐसा आपको यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो है दिख रहा है। देख सकते हैं आप कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का जो है नेपाल में भी डंका बजा हुआ है। नहीं तो ये तीर्थस्थल जहाँ लाखों लोग आते हैं बाहर से देखने के लिए, यहाँ पे कुछ धर्म पुण्य होगा ये सोचकर, और वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की इतनी ज़्यादा संख्या में लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता है, तो इससे पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज कितने ज़्यादा प्रसिद्ध है नेपाल में, कितने ज़्यादा उनके अनुयायी हैं, कितने लोग उनको मानते हैं। आइए इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी आपको बताएंगे। यहाँ जो अनुयायी आए हैं उन अनुयायी से बात करके आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि ये कार्यक्रम का मूल जो उद्देश्य है वो क्या है। संत रामपाल जी महाराज को ये शोभा यात्रा है, सतगुरु शोभा यात्रा और ये आध्यात्मिक चेतना यात्रा, इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिसमें जो सतगुरु शोभा यात्रा एवं आध्यात्मिक चेतना यात्रा लिखा हुआ है, तो सर ये क्या आध्यात्मिक चेतना जगा रहे हैं आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के हम शिष्य हैं, और आध्यात्मिक ये चेतना हम जगाना चाहते हैं। जो आज तक किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरह शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं दिया, और ना अच्छी तरह सृष्टि रचना का ज्ञान बताया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, आत्मिक ज्ञान नहीं हो पाया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को खोल के रख दिया है, सभी सदग्रंथों को जनता के सामने खोल के रख दिया है। भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत के शरण में जाएं। ओम तत्सत इति निर्देश से ब्रह्मणे त्रिवेदी सुमिरतो, आपको भक्ति देंगे, मंत्र देंगे, उसकी भक्ति करने से सदा के लिए अमर हो जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, शाश्वतम स्थान जहाँ जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती है। और ये शोभा यात्रा संत गरीबदास जी महाराज जो छुड़ानी में हुए हैं 1783 में, विक्रमी संवत 1783 में संत गरीबदास साहेब जी को कबीर परमेश्वर मिले, उनको 10 वर्ष की आयु में, और उन्हें ज्ञान दिया और पूरे सतलोक का ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया। उसके बाद उन्होंने अमर सदग्रंथ लिखा है, और उस सदग्रंथ के अंदर सभी महाभारत रामायण वेद सभी का ज्ञान उसमें समावेश है, उसको सूक्ष्म वेद कहा है हमारे गुरुदेव जी ने। और उस महान जगत
संत का ये बोध दिवस है, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। सर बहुत से यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, यानी इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, तो क्या कारण है सर जो भारत के संत है और नेपाल में इतने ज़्यादा अनुयायी हैं उनके, है ना, अभी तक जबकि वो 8 साल से जेल में है। देखिए कहते हैं ना कि जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। संत रामपाल जी के महाराज जी का जो ज्ञान है शास्त्र अनुकूल ज्ञान है और वो भक्ति करने से मोक्ष भी मिलेगा और लाभ भी मिलता है। आदि सनातन पंथ हैं हम लोग, आदि सनातन पंथ से हैं, जो शुरू में देवी देवताओं के आदि मंत्र दिए जाते थे उसकी भक्ति करने से लाभ मिलता था, वही आदि मंत्र आज संत रामपाल जी महाराज देते हैं और दीक्षा लेने से लाभ मिलता है लोगों को। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दोस्तों दर्शकों आप सभी ने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र प्रमाणित मंत्र और भक्ति देते हैं जिससे लोगों को लाभ होता है, इस कारण से लाखों की संख्या में भारत से बाहर नेपाल में भी उनके अनुयायी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी अभी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस आज के कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या कार्यक्रम है आपका आज? ये संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में गरीब दास जी का बोध दिवस है, का शोभा यात्रा आज रैली के रूप में निकाला गया है। तो ये शोभा यात्रा जो निकाली गई है किसने निकाली गई सर, क्या उद्देश्य इसका? ये हम लोग, ये हमारे गुरुजी का ये उद्देश्य है, ये विशाल भंडारा 18-19-20 फाल्गुन 18-19-20 गते विशाल भंडारा होने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में निमंत्रण समझिए या शोभा यात्रा रैली के रूप में हम लोग प्रचार करने के लिए इस उद्देश्य से हम लोग रैली और शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। दर्शकों नेपाल पुलिस जो सारी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं जनकपुर की और संत रामपाल जी महाराज की शोभा यात्रा यहाँ पर निकल रही है, तो उनसे बात करते हैं कि उनको इसको व्यवस्थित करने में क्या कैसा महसूस हुआ, कैसा अनुभव हुआ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की जो शोभा यात्रा निकाली गई है तो ये बहुत लंबी कतारें हमने देखी अभी, तो इसको व्यवस्थित करने में आपको क्या कितना दिक्कतें आई, यहाँ पे कैसा अनुभव हुआ? खासी दिक्कत नहीं आया क्योंकि वॉलंटियर में खटा है, कुछ खास दिक्कत नहीं हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा कर्मी खटे हुए, कुछ खास दिक्कत नहीं आया। यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था और जो डिसिप्लिन मेंटेन का है ये कैसा लगा आपको उनका? अच्छी है, वहाँ डिसिप्लिन अच्छा है क्योंकि कोई हुरूजत नहीं हुआ है, आराम से अपने अनुशासन में चल रहे हैं और खुद भी अनुशासन मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए कुछ खास दिक्कत नहीं हुआ है। बहुत से कार्यक्रम होते हैं जिसमें जो रैलियां होती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है सुरक्षा कर्मियों को मेंटेन करने में लोगों को, है ना? खास परेशानी नहीं हुआ हम लोगों को, इसमें कुछ आज दिक्कत नहीं हुआ हम लोगों को। वो खुद भी वॉलंटियरिंग कर रहे थे यहाँ के लोग? खुद भी वॉलंटियर कर रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है।